गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 9, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो इससे पहले हम बाकी चैप्टर्स के भी नए क्लास 9 के थ्योरी पार्ट और MCQs को डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में. अब हम इस चैप्टर को देखेंगे और किसी को भी रिगार्डिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डाउट है तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैप्टर की प्लेलिस्ट चला के देख सकता है, वीडियोस देख सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. 22nd फरवरी केम टू बी नोन एज ऑप्शन ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल पीस डे, ऑप्शन सी रशियन रेवोल्यूशन डे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो टेक्निकली जो हम आज की डेट में कहते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th of March को मनाते हैं हम, बट ये हमारे कैलेंडर की के अंदर जो हमने चेंज किया था जॉर्जेरियन कैलेंडर को, जब हमने चेंज किया था और उसमें कुछ दिन ऐड किए थे उसके बाद हुआ था. बट 22nd of Feb एक्चुअल में इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, बट 11 डे ऐड किए तो उसके बाद हम रेगुलरली अब इसको 8th of March को मनाते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. हु वॉज द राइटर ऑफ द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया? द ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी व्लादिमीर लेनिन. सो द करेक्ट आंसर इज डी व्लादिमीर लेनिन. सो लेट्स मूव फर्दर. आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर पार्ट्स ऑफ लेनिन्स अप्रैल थीसिस? ऑप्शन ए वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, ऑप्शन बी लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, ऑप्शन सी बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब लेनिन की थीसिस आई थी, जब वो रूलिंग में आ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले बैंक्स को नेशनलाइज करने की कोशिश करी और जो पीजेंट्स के पास लैंड थी उनको ट्रांसफ़र किया. साथ में जो हमारी वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उसमें से रशिया को विड्रॉ भी करवाया. सो लेट्स मूव फर्दर. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लुक टू चेंज द सोसाइटी? सो ऑप्शंस आर रेडिकल्स, ऑप्शन बी लिबरल्स, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव्स, ऑप्शन डी डेमोक्रेट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लिबरल्स, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते थे और उस करंट सिस्टम के साथ खुश नहीं थे और एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं जहाँ पे नई नई आइडियाज़ को जगह मिलती है. सो लेट्स मूव फर्दर. व्लादिमीर लेनिन वॉज अ ऑप्शन ए लीडर ऑफ बोल्शेविक ग्रुप, ऑप्शन बी रूलर ऑफ रशिया इन 1914, ऑप्शन सी मेटल वर्कर, और ऑप्शन डी वीवर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लीडर ऑफ बोल्शेविक ग्रुप. और ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो वहाँ पे ग्रुप्स बटे थे बोल्शेविक और मेंशेविक्स में बट गए थे, जिसमें से बोल्शेविक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन. सो लेट्स मूव फर्दर. हु वर नोन एज ग्रीन्स? ए वाइट्स, बी प्रो ज़ारिस्ट, सी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. सो लेट्स मूव फर्दर. अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन वॉज फॉर्म बाय सोशलिस्ट एंड यू हैव टू टेल जो सेकेंड लोग थे कौन थे जिनके थ्रू लेबर पार्टी बनी थी ब्रिटेन में. सो ऑप्शन ए इज ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी पीजेंट, ऑप्शन सी यंग स्टूडेंट्स, या ऑप्शन डी
रेवोल्यूशनरीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रेड यूनियंस. क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सोशलिज्म ऑल ओवर यूरोप फैल गया था और उसके बाद काफ़ी ट्रेड यूनियंस की स्थापना हुई थी जिसके थ्रू ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी बनी थी वो सामने आई थी और बाद में वो इलेक्शंस भी जीते थे. सो लेट्स मूव फर्दर. विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के अंदर की क्या सिचुएशन थी, हमने उसके बारे में डिस्कस करना है. और ये क्वेश्चन इसी चैप्टर के ही रिगार्डिंग में है. ऑप्शन ए सडनली इट सीम पॉसिबल टू चेंज द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी. क्यों इसको भी हम डिस्कस करेंगे आंसर में. हाउएवर नॉट एवरीवन वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. ऑप्शन सी सम वांटेड ग्रेजुअल शिफ्ट व्हाइल अदर्स वांटेड चेंज ऑफ सोसाइटी. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. और इसके बारे में हमने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी डिस्कस किया था और यूरोप की सोशलिज्म इन यूरोप में भी डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी में था सबको ये लगने लगा था कि हाँ रूल किंग की ज़रूरत नहीं है कंट्री को रूल करने के लिए. कुछ लोग ये मानते थे, कुछ ये मानते थे कि चेंजेस अब रिक्वायर्ड है और कुछ ये भी मानते थे कि चेंज रिक्वायरमेंट नहीं है, किंग को ही रूल करते रहना चाहिए. तो ऐसे तीनों टाइप के लोग थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन सोसाइटी में, जिसमें रशिया भी एक पार्ट था. सो लेट्स मूव फर्दर. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इन रशिया. ऑप्शन ए द जर्मन ओरिजिन ऑफ सारियन अलेक्जेंड्रिया. ऑप्शन बी पुअर एडवाइजर्स लाइक मॉन्ग रास्पुतिन. ऑप्शन सी ह्यूज कॉस्ट ऑफ फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन. और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. क्योंकि जो ज़ार अलेक्जेंड्रिया था वो वहाँ का ओरिजिन नहीं था और रशियन लोगों के अंदर यही बात थी कि एज अ रूलर कोई भी बाहर का पर्सन रशिया को कैसे रूल कर सकता है. सो लेट्स मूव फर्दर. वॉट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप. ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. बी न्यू सिटीज केम अप. सी रेलवे एक्सपेंडेड. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. और ऐसा हमें पता ही है कि यूरोप के अंदर न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ज़रूर हुई थी, वो भी एक रीज़न था. नई सिटीज़ जैसे लंदन, फ्रांस के अंदर की सिटीज़, जर्मनी, रशियन जैसी सिटीज, रशिया में जो कन सिटीज़ थी वोट क्या ही सेंट पीटर्सबर्ग. रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ जिसके थ्रू अर्बनाइजेशन फैला. तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन अ स्ट्राइक. तो सेंट पीटर्सबर्ग के जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक पे गए थे उनकी क्या डिमांड थी. ए रिडक्शन ऑफ वर्क टाइम टू 8 hours. बी इंक्रीज इन वेजेस. सी इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो जैसे कि हमें पता ही है कि सेंट पीटर्सबर्ग में जब स्ट्राइक हुई थी तो वर्किंग आवर्स उससे पहले बहुत ख़राब थे, वेजेस बहुत कम होती थी और वर्किंग कंडीशन, सैनिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी. तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ही उनका प्रोटेस्ट हुआ था, स्ट्राइक करी गई थी, इसलिए यही उनकी डिमांड्स थी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ल्ड वॉर वन विच स्टार्टेड 1914 रशिया फॉट अगेंस्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, यूएसए और ऑल ऑफ द
अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर एक साइड में थे, ब्रिटेन फ्रांस यूएसए यूएसएसआर या कि जो कि रशिया भी है ये दूसरी साइड पे थे, और रशिया ब्रिटेन फ्रांस इकट्ठे होके जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़े थे. और ये वॉर जो थी मोर ओवर इट वॉज अ वॉर ऑफ इम्पीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म वॉर, जो कि 1914 से 1918 में लड़ी गई थी. बट इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू होती है और जो इसके बीच का ड्यून होता है उसको वॉर ब्रेक कहा जाता था, वॉर को एंड नहीं माना गया था. सो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे ये ख़त्म होते हैं. इसके बाद हम कुछ थ्योरी पार्ट को दोबारा डिस्कस करेंगे और नए चैप्टर्स को देखेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. और जिसने भी इस चैप्टर की वीडियोस देखनी है या जो बाकी हमने हमारे डिस्कस किए हुए चैप्टर्स और एमसीक्यूज की वीडियोस देखनी है प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिस्ट मिल जाएगी और आप उसको भी देख सकते हैं. सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू.